गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आलेखीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि को पढ़ेंगे। रैखिक समीकरण को हल करने की कई विधियां हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुटन विधि और आलेखीय विधि है। तो सबसे पहले हम लोग आलेखीय विधि को पढ़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि कोई समीकरण दिया है 2x - 3y - 6, 2x + 3y = 18। दो समीकरण है तो दोनों समीकरण की सहायता से हम अपने मन से x और y का, x का मान रखेंगे तो y का निकलेगा, y का रखेंगे तो x का निकलेगा। तो इसके लिए एक सारणी तैयार कर लेते हैं। x में 3 मान लेंगे और y का 3 मान निकालेंगे, या इसी तरह से है। तो 2x - 3y - 6 है तो 2x = 3y - 6 हो गया, या x = 3y - 6 2। अब y = 0, 2, 4 ये सब मान रखेंगे, अपने मन से कुछ भी मान रख सकते हैं। तो x = 3 × 0 रखते हैं तो y के जगह पर 0, 3 × 0 - 6, -6/2 = -3। अगर y के जगह पर हम 2 रखते हैं तो 3 × 6 - 6/2, तो 6 - 6/2 = 0/2 = 0। y के जगह पर 4 रखते हैं तो x = 4×3 = 12, -6/2, 6/2 = 3। तो सारणी में पूरा करते हैं, y = 0 रखे तो 3, फिर 2 रखे तो 0 और 4 रखे तो 3 आ गया। और फिर दूसरे समीकरण से 2x + 3y = 18 है तो x का मान इसमें भी x = 18 - 3y/2। यहाँ 2x = 18 - 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और x = 18 - 3y/2। तो x = 18, y के जगह पर हम 0, 3, 6 रखते हैं तो 3 रखते हैं तो 18 - 3×0/2, तो 0 रखने पर y = 0 रखे तो 18 - 0 = 18/2 = 9 हो गया। अगर y के जगह पर 3 रखते हैं तो 3×3 = 9, 18 - 9/2, 18 - 9/2 = 9/2 हो गया बराबर 4.5। और 6 रखते हैं तो 6×18 = 18 - 18/2, 0/2 = 0। इस तरह से y = 0 तो x = 9, y = 3 तो x = 4.5 और y = 6 तो x = 0। ये 3 मान ज्ञात हो गया। ये दोनों समीकरण से x y का 3-3 मान ज्ञात कर लिए। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए इस तरह का इसका ग्राफ होगा। इसमें दिया हुआ है कि पहला समीकरण है कि x = -3, तो x और y अक्ष खींच लिए। आवश्यकता अनुसार x में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम मान देख लेंगे कितना तक है, और y को इसी तरह से कर देंगे। x = -3, तो x = -3 यहाँ होगा तो y का मान 0 है, तो यही ये हुआ -3, 0। फिर इसके बाद x का मान जब हम 0 लेते हैं तो y का मान 2 है, तो यहाँ y पर 2 ले लिए। x = 3 है तो y पर 4 है, तो y के 3 लिए तो y पर 4 ये। तो अब इसको 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 ये तीनों बिंदुओं को एक रेखा से मिलाते हैं। यदि सरल रेखा आ जाती है, सीधी रेखा, तो सही है, नहीं तो ये गलत है। अब दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण के लिए खींचेंगे x = 9 तो y = 0, ये बिंदु हुआ। x = 4.5 तो ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच में 4.5 होगा, तो y = 3 ये हुआ, y = 3। इसको और इस इधर से मिलाते हैं तो 3 हो गया। x = 0 तो y = 6 ये हो गया। तो अब 6 को और इसको, इस बिंदु को और इसको मिलाएंगे, एक सरल रेखा से मिलेगा।
ये हुआ 2x माइनस 3y माइनस 6 का ग्राफ, और ये हो गया 2x प्लस 3y बराबर 18 का ग्राफ। दोनों रेखाएं यहाँ पर काटती है, इस बिंदु x का हो गया 3 और y का मान हो गया 4, तो 3 4 हुआ, x बराबर 3 y बराबर 4। जहाँ पर दोनों रेखाएं काटेगी वही हल होगा। यदि दोनों रेखाएं समानांतर हो जाती है तो कोई हल नहीं होगा, और यदि दोनों रेखा कहीं ना ये दोनों समीकरण के लिए एक ही रेखा प्राप्त होती है तो उसके अनेक हल होंगे, लेकिन ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा x बराबर 3 y बराबर 4। थैंक यू।